नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची किशन से आप सभी को जय जिनेन। हम आज लड्डू बनाने जा रहे हैं। ठंड आ गई है और काफ़ी तेज ठंड शुरू हो गई है, तो दोस्तों हम उसी के लिए हमारे शरीर में गर्माहट बनी रहे इसके लिए हम लड्डू बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल है हम उससे ही लड्डू बनाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि नहीं ये चीज़ नहीं है तो नहीं बनेंगे। दोस्तों जो जितने भी हमारे पास ड्राई फ्रूट हैं हम उससे आराम से लड्डू बना सकते हैं। ये ड्राई फ्रूट के लड्डू ही बना रहे हैं जो हमें गर्मी प्रदान करेंगे, हमारे शरीर को ऊर्जा देंगे। तो दोस्तों हम लड्डू बनाना शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों ये देख लेंगे कि हमने यहाँ कौन कौन से ड्राई फ्रूट ले रखे हैं। तो दोस्तों यहाँ हमने किशमिश, चिरौंजी, गोंद, पिस्ता, काजू, बादाम, मखाने, और ये दोस्तों अखरोट, और दोस्तों यहाँ हमने हल्दी, ये अदरक हमारा सूखा हुआ है, सौंठ, और ये खसखस। और दोस्तों यहाँ हमने 1 किलो यहाँ हमने गुड़ ले रखा है। तो दोस्तों आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो गुड़ की मात्रा बढ़ा दें, और दोस्तों अगर कम मीठा करते हैं पसंद करेंगे तो दोस्तों गुड़ की मात्रा हम कम रख सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपको किस हिसाब से मीठा पसंद है। तो दोस्तों आइए हम सबसे पहले इन्हें तल लेंगे। तो दोस्तों हमें घी के हम उतना ही यूज़ करेंगे जहाँ हमें जितना हमें यूज़ लगेगा हम उतना यूज़ करेंगे। हम धीरे धीरे घी को हम इसमें यूज करते हुए लड्डू बनाएंगे। दोस्तों यहाँ हम गैस ऑन कर रहे हैं, ये हमने कढ़ाई रख दी है। दोस्तों अब इसमें हम घी गर्म करेंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले इसमें गोंद को तलेंगे। तो दोस्तों हमें गोंद में सबसे ज्यादा घी लगेगा इसलिए हम गोंद को ही इसमें सबसे पहले ये दोस्तों हम घी को गर्म कर लेंगे अच्छी प्रकार से। दोस्तों हम यहाँ अच्छी तेज आंच में गोंद को तलेंगे। दोस्तों हम यहाँ हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है और हम धीरे धीरे गोंद को तलेंगे।
दोस्तों ये खारक को हम ठंडा होने के लिए अलग रखेंगे, बाद में हम इसे मिक्सी से पीस के हम लड्डुओं में डालेंगे। और दोस्तों अब हम मखाने को तलेंगे। दोस्तों हमने सारी चीज़ों को तल लिया है, अब हमारी चीज़ जो मसाले हैं बस उन्हें हमें डालना है। तो दोस्तों ये जो घी बचा है हम इसी घी में इसको तल लेंगे। ये देखिए दोस्तों इतना घी है, हम इसी घी में इसको तल लेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ खसखस को दोस्तों हम इसका सामान तला रही है और इसके बाद हम सौंठ को डाल देंगे। इसी में हम सौंठ डाल देंगे। ये दोस्तों इससे हमारे लड्डुओं में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और दोस्तों इसमें हम हल्दी भी एक बड़ा चम्मच डाल रहे हैं। और दोस्तों जो हमने मसाले जैसे काजू है और हमारी बादाम है जो हमें काटने में थोड़ा सा बारीक हो जाती है, तो हमने ये मसाला छान लिया था, वो इसको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो ये मसाला हम हमारे जो लड्डू को हमने तल के रखा है सामान, हम उसमें उसे ऐड कर देंगे। तो दोस्तों हम अब गैस को बंद कर देंगे और लड्डुओं में मिला देंगे। ये सारी इसमें हमने चीज़ों को गुड़ में सारे सामान को हमने तल के रखा है, हम इसी में इसको मसालों को हम इसी में मिला देंगे ताकि हमारे गुड़ भी सिक जाएगा और मसाला भी इसमें मिक्स हो जाएगा।
दोस्तों अब इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे और फिर हम इन मसालों को इसमें मिक्स कर देंगे। और दोस्तों हमने जो इसमें मखाने हमने सेंक रखे हैं ना, ये मखाने हमने तल के अलग रख लिया था, तो दोस्तों ये ठंडे हो गए, हम इन्हें लुढ़िया की सहायता से बारीक कर लेंगे और इसमें गुड़ के लड्डुओं में मिक्स कर देंगे। और दोस्तों जो ये दोस्तों ये देखिए अच्छे कड़क हो गए हैं। अब हम इन्हें मिक्सी में पीस के इसे भी इसमें मिक्स कर देते हैं दोस्तों। फिर हम ठंडे होने पे जितना हम हाथों में रख सकते हैं उतना कुनकुने ही हम लड्डू बनाएंगे, क्योंकि ठंडे होने पे ये नहीं बनेगा। तो दोस्तों ये थोड़ा सा हमें ठंडे होने, इसको ठंडा होने देंगे और फिर हम दोस्तों हमने खार जो तली थी वो अच्छी ठंडी भी हो गई और कर्री भी हो गई। हम इसको दोस्तों हमने ये जो मखाने हैं वो बारीक कर लिए और जो खारक थी उसे भी हमने मिक्सी में पीस के इसी में मिक्स कर दिया है। और दोस्तों अब ये हमारे हाथ लगाने लायक हो गया है। तो दोस्तों मैं इसे अब इसमें अच्छी तरह मसाला इसमें निकाल के मिक्स कर लूँगी। दोस्तों ये मैं गुड़
दोस्तों हमने ये लड्डू बना लिए हैं और दोस्तों हमारा ये मसाला अभी और भी रखा है। दोस्तों चाहे तो हम पूरे लड्डू बना लें इस प्रकार से, या फिर ये मसाला मसाले के रूप में भी हम लेके खा सकते हैं।